सो गाइज, यहाँ पे लैंड करते ही जो मेरी हालत ख़राब हुई है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन है, और ऐसी 3 से 4 लाइनें हैं। और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बिज़नेस क्लास की लाइन बता सकते हैं कौन सी है, तो कहते हैं ओला से। अब बच गई है बैंड, यहाँ तो खड़े रहना पड़ेगा, यहाँ कोई बिजनेस बिजनेस लाइन नहीं है। भगवान भरोसे, कब हम सोएंगे, कब हम फंक्शन अटेंड करेंगे, आई हैव नो आइडिया। तो एनीवेज, एंटर कर चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है, अभी आप देखते जाइए क्या क्या हालात होते हैं हमारे। ये देखो बेचारी खड़ी हुई है, दो दो लाइनों में खड़े हुए हैं, जिसकी लाइन पहले ही जाएगी हम देखना चाहते हैं, मतलब इसमें भी थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं ताकि थोड़ा फन बना रहे। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल आए हैं। नथिंग नथिंग, थैंक यू। सो कोशिश कर रहे हैं इनको अंडरस्टैंड करने की, इनकी लैंग्वेज। और पहले हमें लगा था कि लाइन में हमें लंबा खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन नहीं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यस। ओके, हाउ डू यू से हेलो इन योर लैंग्वेज? मैन चिचाओ। यस, चिचाओ, चिचाओ। ओके, चिचाओ। क्या बुशे? गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग, सॉरी, क्या बुशे? माय लगेज। क्या बुशे है? माय लगेज। माय लगेज ब्यूटीफुल। वियतनाम, कहाँ, कौन सी सिटी है ये? कोची मिन। यार मैं कैसे भूल रही हूँ, कोची मिन, थोड़ा डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए। कोची मिन, होची मिन, होची मिन, होची मिन। सो हम होची मिन में पहुँच चुके हैं गाइस। लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ पे सुना है, थोड़ा सा है मामला गड़बड़, कि नॉर्मल लोगों को यहाँ पे अपनी लैंग्वेज आती है, बाहर की दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। सो कोशिश करेंगे, हम हैं हिंदुस्तानी, कहीं भी फिट हो जाते हैं। स्पीक टू देम, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, आई एम अवे। तो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का बाहर का नज़ारा एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही। मैंने थोड़ी भीड़ मिस कर दी, बहुत सारी भीड़ थी उधर। सब लोग अपने अपने बोर्ड लेके बैठे हुए थे विथ नेम। अभी लैंग्वेज के पंगे हैं यहाँ पे। वी हैव टू वन पोचिता एंड वन पोचिता, दैट इज एनफ। सो वी हैव, पकड़ना भाई, अभी इसको समझना समझाना अलग पड़ेगा। व्हाट आर यू सेइंग? वी हैव टू कार, टू कार, यस, वन सेवन, वन सेवन सीटर एंड वन सीटर, वन इज वन सीटर, नो, वन कार सेवन सीटर। He is gonna receive other people as well. This is for us. One is for us. Okay, send, give us one car. We'll go in one car. Yeah, yes. One car, 7-seater or 4-seater? 4-seater. 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 Okay. अब देखा? 1-seater में कैसे जाएंगे? तो 4-seater बोला है, 4-seater. 4-seater. 4-seater only. Yeah, yeah. 1-seater. No. 4-seater, 4-seater. मुझे लगता है जब तक मैं यहाँ से जाऊंगी ना, तब तक तो नाम याद हो ही जाएगा मुझे, हो ची मिन। चलिए गाइस, देखिए आप नज़ारा, ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। समझना समझाना अभी से शुरू हो गया है, और मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत मुझे पढ़ने वाली है लैंग्वेज को लेके, क्योंकि इसको तो समझ में आ गया, लगता है इसकी कुछ पुरखों का ज़माना यहीं पे बीता हुआ होगा। I don't know. ना लैंग्वेज आती है लड़की को, यहीं छोड़ के जाऊँगी मैं, बैठना। ओके, चलिए। Oh, I cannot speak Hindi. I am talking in English. What? Yes, I said Europe 3 person. Okay, Europe se 3 log hain. 3 person, yeah. Europe, European, right? Yeah. Okay, they are coming? No, here only 2. Here only 2. Yeah. Okay, you speak to them. We will leave by then, okay? Yeah, I know. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. You search for them. They must be on the way.
फाइनली लड़की इस बार तो मैं समझ गई, यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है और हमें कैसे कह रहा है नो हिंदी, मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश समझो मेरी। अरे भाई अपने एक्सेंट में समझाएगा, नॉर्मल तो समझ में आएगा है ना। ओनली व्हाट लैंग्वेज? English, English, but because first time. English and which language? Vietnamese. I Vietnamese. Okay. Ah, nice. हमारा क्या था? Good morning का? भूल गए. मुझे लिखना पड़ेगा. चलिए. निकल गई हमारी. Guys, मैं गाड़ी की बोल रही हूँ. Guys, हमारी सवारी निकल चुकी है. Namaste Vietnam. दोस्तों देखिए ये है Vietnam. कौन सी सिटी फिर हो ची मिन मैं हो ची मिन सिटी में हूँ और यहाँ का है ये मौसम और ये जो हमारे भाई साहब हैं इनको पता नहीं लैंग्वेज आती नहीं आती बट इनका मूड बड़ा ऑफ है। इन्होंने तो मैंने बोला कि आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में ही पूछा बकायदा, मैंने इंग्लिश में ही पूछा, मैंने बोला राम ऐसे तो वेलकम मिला है, कोई बात नहीं हम हिंदुस्तान से प्यार लेके आए हैं, प्यार से बात करेंगे। तो ये है हो ची मिन मैं रोज़ बोलूँगी कम से कम 50 बार हो ची मिन सिटी। पता चले मीडिया पूछ रही है और आप कम बोल दो कौन सी सिटी है। नहीं ऐसा नहीं, वैसे मैं हो ची मिन बार बार बोल रही हूँ। ये है हमारी, तो गाइज मैं आपको अपने आप को कम दिखा के बाहर ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ ताकि आप थोड़ा देख सकें हो ची मिन सिटी कैसी लगती है। एयरपोर्ट से हम लोग निकल रहे हैं होटल की तरफ और ये है हमारी हो ची मिन सिटी। अरे हमारे भैया जिनका मूड ऑफ ही है, पता नहीं ऑफ ही रहेगा, घर से क्या मतलब बीवी से लड़के आए होंगे मुझे लगता है। हाँ मूड ऐसे ही लग रहा है भैया। दादा अन्ना कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। ओके सो यहाँ पे कॉफी प्लेसेस बहुत हैं, ये मैं भी रियलाइज कर रही हूँ। फेमस फॉर कॉफी यू नो, ओह दे हैव द बेस्ट कॉफीज इन द वर्ल्ड, बेस्ट कॉफीज इन द वर्ल्ड। या तो वियतनाम जैसे आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरी जो गाइड है टूर गाइड जो वियतनाम से ही है, लो बाय मिस्टेक लेके आ गई हूँ चंडीगढ़ से, लुधियाना से, बट है वो यहीं की क्योंकि वो जितनी ज्यादा लैंग्वेज जितनी ज्यादा फीलिंग यहाँ के लोगों को समझ रही है इतना मैं नहीं समझ पा रही, मुझे वक्त लगेगा आई एम सॉरी। लेकिन ये देखिए यहाँ के रोजमर्रा की जिंदगी चलते हुए और जैसे कि हमारी जो गाइड है टूर गाइड उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कॉफी बहुत अच्छी मिलती है और कुछ मैडम कुछ और अच्छा मिलता है यहाँ पे। नहीं अभी बताएंगी वो, शर्मा गए कि मैंने टांग खींची उनकी। ये देखिए हमारे यहाँ भी ऐसी स्कूटी है बहन, चिंता मत करो स्कूटी में घूमेंगे वैसे। अरे यार मैं तो प्लेन भी चला रहा हूँ, मुझे आती है, मुझे आती है ऑफ कोर्स, डन वी गो ऑन अ राइड रात को। तो ये देखिए यहाँ की खूबसूरत सिटी, जिम, योगा, बॉक्सिंग, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कुछ करेंसी का भी कुछ हिसाब किताब है, वो क्या है वो भी बताऊँगी। और यहाँ के मेरे वीडियोस काफ़ी बनने वाले हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ यहाँ का रहना ऐसे सेंटर खाना में, पीना ये देखो सेंटर में ऐसे शूट करते हुए जाते कितना अच्छा लगेगा यहाँ पे देखो। हाँ स्ट्रीट शूट करेंगे, लेट्स सी अभी भी शूट ही कर रहे हैं, स्ट्रीट का ही शूट कर रही हूँ मैं। ऑर्किड्स कितने सुंदर है, ओह यहाँ का टेम्पल। आपको पता है यहाँ पे कॉफी मिलती है, मुझे याद नहीं आ रहा किसके पूप से बनती है, इट्स द बेस्ट कॉफी। किसके पूप से नहीं, कॉफी पूप से ही बनती है। डू यू नो, नो यस, अरे वो आई नो कॉफी से बनती है बट एक स्पेशल, ये वियतनाम की कॉफी स्पेशली वो किसके पूप से बनती है मुझे याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर में मैं तो भैया अपनी चाय पीऊंगी देसी, अब तो बता दिया पूप से बनती है मतलब गाइस पॉटी से, इसका कहने का मतलब है पॉटी से
कॉफी बनती है, मुझे वो कौन सी कॉफी है, मुझे यहाँ की कौन सी कॉफी है, तो आप जब तक सोचिए तब तक मैं नजारे लेती हूँ। रिकॉर्डिंग कर रही थी, अगर कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी तो गाइज इस वक्त समय हुआ है 6 बजे, वियतनाम में 6 बजे हैं और 6 बजे आप देख सकते हैं ये है माहौल आपके चिंग क्या हो ची मिन से निकला हूँ। वाह नाइस, इज इट आवर होटल? नो, से पूछा कि यहाँ पे आसपास मार्केट किधर है, और इससे पहले हम अपने फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड करके लेके आए थे, हाय हेलो थैंक यू कैसे बोले, तो इन्होंने पकड़ लिया तुरंत से, तो इन्होंने बोला थैंक यू ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोला और अपनी लैंग्वेज में भी बोला, तो मैंने कहा भाई भैया हम ऐसे ही मुँह बना के बैठे हैं, इनको आता सब कुछ है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे लोकल मार्केट किधर है, वो समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो ये भी समझ में आया उसको इंग्लिश में और हंसने लग गया। मैंने कहा भाई रीजनेबल सा मार्केट बताओ, नो मनी, मैंने कहा वी हैव नो मनी, हंसने लग गया। सो मेनी पीपल हाँ क्या बोले भाई, ये तो फिर गूंगा हो गया। अभी इतनी सारी बातें कर रहा था, कैमरा चलते घूमा हो गया। न्यूज क्लिनिक कौन सा ब्यूटी सेंटर है देखो, अरे भाड़ में जाए हमारे भैया हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता हम जा कहाँ रहे हैं, ना हमारे पास फोन चल रहा है ना कुछ चल रहा है। सिंचाओ मतलब हेलो हेलो, ओ माय गॉड माय वियतनाम गर्ल, ओ हो दिखा सी आई इसको भैया, इधर दिखा दो मास्क के, ओ हो 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 हंस तो रहा है भाई। ओ सिंचा बाय बाय, बॉम्बे में बॉम्बे मतलब बाय बाय बाय। अच्छा क्या होगा, मैं अभी भी बॉम्बे में ही हूँ, ये कह रहा लव बॉम्बे, गुड बाय बॉम्बे, गुड बाय बॉम्बे, नो तांबे तांबे इज गुड बाय ओवर हियर, तांबे तांबे लोहा नहीं तांबा 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 तांबे तांबे तांबे, मुझे सुनाई दे रहा था बॉम्बे और केएफसी, नो नो बॉम्बे, भगवान मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है अमेज़न, अरे बस कर वियतनाम की बंदी चिंग चोंग तुझे यही रह जा। एक तो सुबह सुबह बिना चाय पिए अदरक वाली इतना सर खपाना पड़ रहा है। हाइलैंड्स कॉफी बहुत अच्छी मैंने, आई नो तुम यही रहती हो कॉफी शॉप में, मैंने कॉफी शॉप फेमस यार वेरी फेमस, फिर चुप हो जाता है मेरे से तो उसको प्रॉब्लम है, टेन फेमस कॉफी शॉप, मैनी कॉफी, बाय मैनी कॉफी शॉप, बाय अब इसको बाय, ये इतनी इंग्लिश नहीं आती या फिर इसका मूड नहीं है, अभी मेरे से बात नहीं करना चाहता है भाई, तू ही बात कर, ये भी बहुत अच्छी साइगोन गार्डन कैफे, कंफ्यूज मत हो, देख तेरे साथ तो ये जम के बात कर रहा है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ बोलते तो मुझे बॉम्बे की याद आती है, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे लगता है मैं बॉम्बे से मेरी बॉडी तो आ गई है पर मेरा दिल दिमाग उधर ही है भाई, क्या बोला था इसने बॉम्बे का थाम्बे, थाम्बे मतलब थाम्बे इज गुड बाय ओवर हियर, नो थाम्बे वेलकम, क्या है वेलकम, सिंचा वेलकम इज हेलो, सिंचा हेलो, welcome la mai bao, ha welcome what, welcome do kya bolenge, what welcome, welcome la mai bao, mai bao mai bao mai bao mai bao, mai bao mai bao, aage aage baith jao, xin chào, thank you, kya bolenge, tambe 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 tambe, are baap re
अभी के लिए बहुत हो गया गाइस, मस्ती हो रही है, होटल पहुंच जाए। हम तो ऐसे हो रहे हैं जैसे क्या ही बोलूं मैं, लैंग्वेज सीखूं मैं, आसपास देखूं यहाँ क्या 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 चीजें अच्छी होती हैं। स्ट्रीट अच्छी है इधर, एक लग्जरी ब्रांड है। हम आज बाद में आएंगे लग्जरी ब्रांड पे, पहले हमारे ये पे हमें पहुंचा दे हमारे होटल तक, क्योंकि हमारा फोन काम नहीं कर रहा है और समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं यार। कुछ बात करके बताओ ना ऐसे, मतलब मैं लिटरली आई एम फीलिंग सो अनएजुकेटेड, आई कांट इवन टेल यू सीरियसली मैन, आई एम नॉट फीलिंग छोटा सा स्टूल रखा हुआ है उसके ऊपर, चार कॉफी रखी हुई है बाहर, बस आके बैठ के कॉफी पी। ऐसे ना हमारे लोखंड वाला में, ऐसे हमारे लोखंड वाला में मेहंदी लगाने के लिए बैठे रहते हैं झुंड में लड़कियां। नहीं पर इधर ऐसे है कि रात को बहुत अच्छा होता है। चलिए गाइस, यू विल सी, सब बन सकता कुछ तो बोला क्या, सब बन सकता सब कुछ जिंदा सैगन, क्या बोल, क्या बोला, सब कुछ जिंदा सब बन बिन कम सैगन बिन कम बिन कम, अच्छा बिन का ये बोला स्ट्रगल मतलब रियल ओके आर होटल ये आ गया हमारा होटल और वहाँ है हमारा शॉपिंग ज़ारा भी है। तो चलिए, मेरे को तो शायद नींद नहीं आ रही हो, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेसिक होटल से मतलब, तो होटल हमारा होटल घर की तरह है अब कुछ दिनों के लिए, वहाँ से निकलने से पहले मुझे कुछ ऑपरेशन करनी है। बंथन मार्केट और ये जी राइट को मैंने बोला कोई रीजनेबल मार्केट लेके चलना, ये लेके आ गया हमें बड़बड़ी, मैंने बोला लोकल मार्केट लेके चलना, नो मनी नो मनी नो मनी पता नहीं क्या बोला भाई, समझ नहीं आया। हम ये कह रहे हैं तुम भाड़ में जाओ, अंदर जाओ और मुझे जा रहे दो, पैसे दो। चलिए गाइस, ओके दैट्स आवर होटल, वो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। देखिए वहाँ पे कुछ कलरफुल कपड़े पहन के वहाँ कुछ शूट वूट चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो प्रिपरेशन हो रही है। यस काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया का डिनर और आप सबका, ओके सो हम लोग विल गो फॉर द डिनर। व्हाट फ्लोर? सो गाइज होटल में हम लोग आ चुके हैं, आने के बाद सो चुके हैं और सोने के बाद आप उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं और हमें लगा था डे टाइम है यार, बाहर जाके घूमेंगे, मार्केट वर्केट जाएंगे, इस मार्केट वर्केट क्या होता है मार्केट वर्केट, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो अभी क्या किया जाए, चलिए नीचे चल के देखते हैं क्या करें।
सारा दिन तो हमने सोने में निकाल दिया, ये तो सो ही नहीं है यार, सच्ची में मानना पड़ेगा इसका, ये तो काम पे लगी हुई है तब से, अपना पर्सनल काम भी कर रही है, और मैं ब्यूटी स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए फिलहाल निकलते हैं, थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग पता नहीं क्या हिसाब किताब है, पर चल चलते हैं, वॉकिंग तो चलते ही हैं। ठीक है, होटल लग रहा है मेरे को। सुबह से हम ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम में कम से कम 45 मिनट लगे हमें पहुंचने में, वेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका दरवाज़ा किधर है, पहले लिफ्ट लॉबी में जाती है कि कौन सी लिफ्ट कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ भी एग्जिट है, यहाँ भी एग्जिट है, थिंग था लॉली था क्या है यार ये, इतनी ज्यादा भीड़ है मैं आपको क्या बताऊं, बट अच्छी बात है, अच्छा मौसम है, डिसेंट सा वेदर है, एंड मुझे बॉम्बे की याद आ रही है, हो ची मिन्ह के लिए यहाँ पे लोग घूमने आते होंगे, पूरी सिटी तो उस बस के अंदर ही घूमते होंगे, क्या हमें भी कुछ ऐसा टूर लगाना चाहिए, नज़ारे में हम निकले हैं बाहर की तरफ और अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक, और वो कमाल की बात ये है ब्रांड्स पर चल रही है अच्छी छूट, गुड डिस्काउंट, और तो हमारी शॉपिंग यहाँ से, हमें लगता है कि मैं यहीं से खाली होके जाने वाली हूँ, बाहर मार्केट में क्या लोकल मार्केट में मैं शॉपिंग करूँगी। इसे देखो भाई, ये तो मतलब अपनी दुनिया से बाहर निकल ही नहीं रही है, टाइम्स स्क्वायर, दिस इज प्रिटी। और यहाँ मैं आपको माहौल दिखाती हूँ गाइस, सिर्फ शूट शूट और शूट ही चल रहा है यहाँ पे, सारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज, आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये देखिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सब लड़के लड़कियाँ शाम के वक्त दिन में भी शूट कर रहे थे, एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, काफ़ी भीड़ है उधर इधर मैं जा रही हूँ, नाइस, अरे बाप रे कितनी ज़्यादा भीड़ है, मुझे लगता है उधर मार्केट है, हाँ मुझे लगता है उधर मार्केट है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हाँ मतलब स्टिल हमारा होटल जहाँ पे हम लोग रुके हैं, इट्स नाइस ब्यूटीफुल प्रिटी होटल, और ये बहुत ही मेन एरिया में है, आप जैसे कि देख सकते हैं सामने, आई डोंट नो समथिंग यहाँ का, आई हैव नो आईडिया, एंड चूची हो चीनी इतना ही पढ़ पाई, सो मस्ट बी समवन फॉर श्योर, अभी मुझे हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आज फर्स्ट दिन आई हूँ, थकान ही नहीं दिख रही है, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई एम सो हैप्पी, जहाँ पे हम लोग रुके हैं वो मेन एरिया है, सो इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे किसी की शादी है, कमाल की बात है, यहाँ की शादी में लोग पहनते हैं वाइट कलर, और हमारे यहाँ पहनते हैं रेड कलर,
ज्वालामुखी। चलिए मजाक मस्ती हो गई, अब हम निकलते हैं, साथ में मेरी चली, अब मैं जाती हूँ रूम में, रूम में जाके चेंज वेंज करके ताकि मैं आराम से फ्री हो जाऊँ, बिकॉज अभी हमें निकलना है क्रूज के लिए, क्रूज पार्टी के लिए। और चलिए साथ में निकलते हैं और यहाँ होटल के अंदर ब्रांड की शॉपिंग हम आराम से करेंगे, अभी नहीं, अभी हम देख सकते हैं, थोड़ी सी स्प्रिंग समर सेल है। अब बेड इसको देखना, हाँ जैकमेस पे भी देख सकते, किधर ऐसे है जैकमेस देखते, दोनों पे सेल है ना। सो गाइस हमने डिसाइड किया कि जाके फटाफट फर्स्ट विल चेंज एंड देन विल कम डाउन, फिर उसके बाद आने के बाद शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, बिकॉज हमें उसके बाद निकलना भी और टाइम बिल्कुल नहीं है, हम ऑलरेडी लेट हैं। तैयार होने के बाद हमें ये रहेगा कि चलो तैयार क्या, चेंज कपड़े चेंज करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बाद तसल्ली हो जाएगी हमें कि हाँ चलो ठीक है हम लेट नहीं हो रहे, ऑलरेडी लेट हैं, और ज़्यादा लेट नहीं कराना हमें सबको। वेर गाइस हमारी है ना, हमारी सबसे ये रहा हमारा रूम, याद रखना हमें ना लेफ्ट लेना है ना राइट लेना, यहाँ से निकलते सीधा हमारी लेफ्ट है। ओहो फाइनली पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। गाइज हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं लिफ्ट को और फ्लोर को लेके, ये तो तुक्का लग गया है कि हम लोग एक्चुअली पहुँच गए, हमें एक पहचान है, यहाँ से एक स्टेयर्स है, इसके क्रॉस करते ही हमारा रूम है, नहीं तो। और रूम की हालत मैं आपको क्या ही दिखाऊँ यार, इतनी बुरी हालत हो रही है, लग रहा है कपड़ों की सेल लगाने तो हम आए हैं वियतनाम में। हाँ ओहो पिज्जे की खुशबू, ओह मैं आपको दिखा नहीं सकती क्या हालात हो रहे हैं रूम के, ना ही दिखाऊँ तो बेटर है। तुम खाओ फ्रेंच फ्राइज, मैं करती हूँ चेंज, तो चेंज करने के बाद मिलते हैं गाइस। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं क्रूज पार्टी के लिए, और स्क्रीनिंग तो आज हमने सोने में निकाल दी, जिसके लिए जाना था मूवी की स्क्रीनिंग के लिए, बट एनीवेज क्योंकि थके बहुत थे यार, बहुत ज़्यादा थकान थी, मेरी जिप ठीक है ना पीछे से बनाना बिल्कुल। सो अब जा रहे हैं क्रूज पार्टी के लिए, फिर उसके बाद कल करते हैं, कल होगा आपका शूट, सुबह सुबह उठ के शूट करना है, एंड दिस टू मच टू डू, लेट्स सी, बट हम रिलैक्स करते हैं, जस्ट रिलैक्स, लेट्स गो। टेक अ टर्न, फोटो वोटो कुछ ले ले यार, प्लीज ऐसा मत कर। ओके गाइस हम लोग जा रहे हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में क्रूज खाने के लिए, क्रूज एंड आई थिंक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मैं हो गई हूँ अच्छे से पैक, मैंने पहना है जंपसूट कंफर्टेबली। अब हमारे पास क्रूज के लिए, हमने प्लान नहीं किया था यहाँ पे क्रूज का भी कोई सीन होगा, तो मैंने वो कपड़े प्लान नहीं किए, और मैंने क्या हमारे प्लानर है अब यहाँ फिर दोबारा मसले पड़ेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल। इसको समझ में आ गया ना, लोकेशन कि हमें कहाँ जाना है पता चले, हमारा पपलू बन गया है, पपलू तो नहीं बनता हमारा, पर वो है मेन तो, पर आई लाइक द लोकेशन हमारे होटल की, सेंट्रल है और फॉर वन और टू आवर्स स्कूटी राइड, सो विल टेक नो स्कूटी का भी देखते हैं आपसे पहले पार्टी पे गाइज। मैं तो आपको बता नहीं पाऊंगी कि हम किस किस रास्ते से होके जा रहे हैं, पर जा रहे हैं, इतना पता है कहाँ जा रहे हैं, क्रूज पे जा रहे हैं। यहाँ की नई नवेली दुल्हन की तरह रेड बस, चिंग्स
I love India. Friendship is with Vietnam and India forever. Yes, I love you. thank you. Okay, together with me. Yeah. Na 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 ni, na 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 ni, na 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 na. Okay. Bye. ये क्या था? जो भी था. I don't know, but very nice and cute. इनकी अलग मांड वाली चल रही है, फोटो लेना देना. Met in Vietnam, friendship between Vietnam and India forever. भगवान, ये लोग हो गए पागल. तो गाइस हम लोग निकल गए क्रूज की पार्टी से, जल्दी निकल गए अब अपने जाके, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत गर्मी. रूम में जाके आराम से रिलैक्स करेंगे. लेट्स गो. सो गाइस ये थी ये क्रूज नहीं, मतलब इट्स अ स्टिल स्टैंड रेस्टोरेंट, क्रूज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट. क्रूज कल है तो हम कितने गधे हैं, बट एक्चुअली कन्फ्यूजन इन्हें लोगों ने कर दिया हमें. बट एनी वेज ये भी क्रूज है, वो भी क्रूज है. सो कल होगा फ्लोटिंग क्रूज, नॉट जस्ट प्रॉपर क्रूज, ट्रॉप पार्टी. सो इट्स गना बी फन. और ये देखो ये तो मस्त मौला मजे ले रही है भाई, फुल ऑन. मेरे को तो इनकी एक ही चीज़ समझ में आती है, जब ये बोलते हैं ब्यूटिफुल मैं बोलती हूँ थैंक यू, बाकी का आगे पीछे का वो जो कुछ बोलते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो ये देखिए, बट एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी होटल की तरफ, हमने ले लिया कैब बिकॉज बाकी सब लोग आने वाले हैं आराम से, और हमारे अंदर इतनी पेशेंस नहीं कि हम सब लोगों का वेट करें फिर साथ में इकट्ठे कार में जाएं, तो हम अपना अलग से कैब लेके निकल गए. सो इट्स नाइस एक्चुअली, देन हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है. कोई किसी का मन है जल्दी जाने का, और हमारा तो ऐसे ही रहता है, अगर मन लग रहा है बट अपने स्पेस में रहना ज़्यादा हमें अच्छा लगता है. तो मतलब इतने सारे लोग हम जानते किसी को है नहीं, खाया पिया और निकल गए आराम से रिलैक्स करेंगे. बिकॉज कल हम प्लान कर रहे हैं फोटोशूट, सो कल फोटोशूट करेंगे सुबह के वक्त. ओ कितना खूबसूरत है यार ये, हमने पहले भी बनाया था वीडियो, नहीं बट इसका नहीं बनाया था क्योंकि हमें यहाँ जाना चाहिए था. लेट्स आस्क हिम ना. हाँ अभी रुक गए, तो हमारा तो होटल भी आ गया भाई, कितना पास होटल है हमारा. ध्यान से पैसे दो ना. और ये है हमारा होटल, ये है, ओ सॉरी वो है हमारा होटल. पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं. एंड देन गाइस ओके nice. ये क्या है, आइसक्रीम. ये सामने हमारा होटल गाइस.